सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में करवा चौथ का पोस्टर लेकर आए हैं, कुछ इस तरह का देख सकते हो। तो अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से बनाना चाहते हो एंड इस पोस्टर का आप PLP फाइल PNG बैकग्राउंड ऑल मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो को अच्छा से देखते रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे दिखा देंगे कि इस पोस्टर का सबसे पहले PLP फाइल ऐड करके बना सकते हो, अगर PLP फाइल ऐड करनी आती है तो, या फिर आप इस तरह से बैकग्राउंड PNG भी हम दे देंगे, देख सकते हो काफ़ी मस्त मस्त है। तो ये सबको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पर अच्छा से देख कर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में कहीं भी प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो बताया हूँ वेबसाइट पर, या फिर आप कॉमेंट भी कर सकते हो, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अब गई जी, यहाँ पे जो पिक्सेल वे एप्लीकेशन है इसी एप्लीकेशन से बनाएंगे, तो इसका भी डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड वीडियो को देख लीजिएगा। वर्ल्ड वर्जन वाला मतलब कि डाउनलोड कीजिएगा वेबसाइट से, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड गई जी, यहाँ से मैं बिल्कुल न्यू इंटरफेस में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मैं यहाँ से कट कर दिया हूँ, बिल्कुल न्यू इंटरफेस में ओपन करता हूँ, कैंसिल कर दूंगा। एंड गई जी, यहाँ पर जो सबसे पहले न्यू टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके ऊपर डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर देना है। तो अब गई जी, यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे जो ब्लैंक पोस्टर बैकग्राउंड लो, PNG सब लो, या फिर आप डायरेक्ट ये जो PLP फाइल है इसको भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो PLP फाइल अगर आपको इसमें ऐड करने नहीं आती तो YouTube पे वीडियो देख सकते हो PLP फाइल पिक्सेल में कैसे ऐड करें, ठीक है, एंड सीख सकते हो। तो गाइज, आप चाहो तो PNG बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हो, सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज, मैं यहाँ से डायरेक्ट PLP फाइल ओपन कर लेता हूँ क्योंकि टाइम कम लगे। तो PLP फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पे माई प्रोजेक्ट वाले इस ऑप्शन पे, या फिर 3 डॉट पे ओपन PLP फाइल वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप ओके करके ऐड करके ओपन इस तरह से कर सकते हो। अब गाइज, यहाँ पे काफ़ी मस्त पोस्टर है, काफ़ी समय दिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। न्यू दोस्त आए हो तो इसी तरह से जो पोस्टर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले ये सब देख सकते हो, सब कुछ आपको PNG है देख सकते हो, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना गाइज। अब यहाँ पे आपको जो भी कुछ लिखना है इसको थोड़ा इस साइड में रख के यहाँ पे आप लिख सकते हो डबल क्लिक करके, या फिर नीचे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ अपने हिसाब से भी इसको आप सजा सकते हो। एंड गाइज, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है सब कुछ आप एडिट कर सकते हो, देख सकते हो। प्रोफुल रीडेबल PLP फाइल बिल्कुल फ्री में देते हैं गाइज, अगर आप किसी के लिए बना रहे हो तो 30-40-50 रुपये आप चार्ज भी कर सकते हो एंड काफ़ी मस्त है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड गाइज, मैं बता दूँ कि अगर सिर्फ आप PLP फाइल यूज करते हो तो उसमें पासवर्ड है, पासवर्ड वीडियो में कहीं भी एक जगह देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अच्छा से देखते रहिएगा। अब गाइज, यहाँ पे जो भी आपका नाम है, नाम चेंज करना चाहते हो तो इस नाम को डिलीट नहीं करना है, वरना बार बार कलर फॉन्ट चेंज करना पड़ जाएगा। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो भी नाम है सबको आपको यहाँ से क्या करना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद जैसे कि मैं गाइज यहाँ पर लिख रहा हूँ दिनेश लाल, ठीक है, देख सकते हो। आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है, दिनेश यादव मैं लिख देता हूँ, देख सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी, देख सकते हो। काफ़ी मस्त फॉन्ट है गाइज, देख सकते हो, ठीक है। प्रीमियम फॉन्ट सब फ्री में है, सब कुछ आपको फ्री में, तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी आना चाहिए। एंड एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप ये सब चेंज वगैरह कर सकते हो जो भी यूजर नेम है, ठीक है। फोटो चेंज करने के बाद है तो फोटो सेलेक्ट करना है, नीचे इस बीच में राउंड जैसे ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर एक रीसेलेक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ से आप अपने गैलरी में चले जाना है, ठीक है। गैलरी में जाने के बाद गाइज, आप जिस भी मतलब कि जहाँ पे भी अपना फ़ोटो रखे हो फोटो ले लेना है। फिलहाल में मैं यहाँ पे निरहुआ सर्च कर लेता हूँ, मेरे फ़ोन में होगा दिनेश लाल यादव का निरहुआ का फोटो जो डाउनलोड होगा, मैं इसको ओके कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगी। अभी इसको हल्का सा ऊपर कर देंगे और यहाँ पर जो मोटा सा बिंदु है इसको पकड़ के इस तरह से छोटा करके और फिर इसको यहाँ से ले आके कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। अब गाइज, यहाँ से मैं और भी छोटा करके यहाँ से आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, देख सकते हो। अगर गाइज ये ऊपर आए तो इसको भी बैक में भेजने के लिए आप यहाँ पे टू बैक कर सकते हो, ठीक है, टू बैक, ठीक है ना, टू फ्रंट हो गया, टू बैक कर सकते हो। एंड इसको भी इस तरह से आप टू बैक करके और यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि गाइज वीडियो अच्छी लगी हो। उससे पहले मैं बता दूँ कि जी फाइल का पहला पासवर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देख सकते हो पासवर्ड। एंड गाइज, इस तरह से आप पूरा फुल एडिटेबल PLP फाइल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना गाइज। और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, बस यही आपसे से रहता है। एंड गाइज, इसको HD में अगर सेव करना चाहते हो तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और जो कस्टम लिखी हुई है यहाँ पे आपको एरो है, एरो पे क्लिक करके सबसे नीचे अल्ट्रा क्लिक कर देना है। एंड सेव टू गैलरी में आप जैसे क्लिक करोगे आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते जी फाइल का दूसरा पासवर्ड स्क्रीन पर शो करा होगा, देख सकते हो पासवर्ड। चलिए गाइज, ओके, बाय बाय।